गाइस वेलकम बैक टू सुपरमार्केट सिमुलेटर। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने एक नया प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदा था पूरे 3,500 रुपए का। भाई हाँ, 3,500 रुपए का, तुमने देखे नहीं होंगे। और उसी के साथ साथ बहुत सारी अपग्रेडेशन भी करी थी। तो आज चलते हैं गेम में, और आज मैं लेने वाला हूँ वापस से नया लोन, क्योंकि इससे पिछले एपिसोड में मैंने सारा लोन खत्म कर दिया था। अब लेते हैं नया लोन और अपने सुपरमार्केट को और तगड़ा बनाते हैं। लेट्स गो। ओके, हेलो नटू काका, बागा और मगन भाई, क्या हाल है तुम लोगों की? एकदम मस्त, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? और हाँ, इससे पिछले एपिसोड में मैंने ये भी सोचा था कि क्यों ना अपने सुपरमार्केट की एंट्रेंस बदली जाए, वो भी बदलेंगे आज। लेकिन उससे पहले अबे यार, अरे आज फिर से ग्लिच हुई है कोई ना कोई। मतलब ये कूड़ा करकट अंदर फेंक जाते, कूड़ा करकट नहीं है, इसमें सामान रखा है मेरा, ठीक है? ऐसे कौन बोल रहा कूड़ा करकट। चलो अभी मैं देखने वाला हूँ लोन ले सकता हूँ, बैंक में चलते हैं। और गाइस ये रहे नए लोन, पूरे 7,000 रुपए ले सकता हूँ मैं बैंक से अभी। और पेमेंट बचे हुए पहले तो कल के और परसों के, भाई दो दिन के बचे हुए, इसको पे करते हैं सबको। और ये लो, एक 325 का पेमेंट बचा है बस। और अपने स्टोर को मैं ओपन कर देता हूँ और एक मगन को फंसा देता हूँ, क्योंकि मगन फंसेगा तभी तो काम बनेगा। चलो मगन भैया, चलो अंदर चलो। ये बात, मगन भैया अंदर गए, अभी अंदर से मस्त काम करेंगे मगन भैया। और कस्टमर आते हैं, उससे पहले क्यों ना मैं अपनी एंट्रेंस बदल दूं। भाई एक बार देख लेता हूं सारी एंट्रेंस, इससे पिछली बार भी देखी थी मुझे, मतलब थोड़ा सा। अरे लोन नहीं लिया ना, अभी बैंक में चलने का है, फिर लोन्स में जाने का, इसको फुल करो टेक लोन करो, इसको फुल करो इसका टेक लोन करो। और भाई इस टाइम मेरे पास 7,000 रुपए है और इसको पे कर देते हैं, अब 6,700 रुपए है। अब चलते हैं मैनेजमेंट में और कस्टमाइजेशन में। एंट्रेंस चेंज करनी है, 750 की चेंज होगी, लेकिन पहले ग्रोथ करूंगा। हाँ, अरे अच्छा अब समझ में आई, इससे पिछली बार मैंने क्यों नहीं करी थी। इससे पिछली बार मैंने इसलिए नहीं करी थी, मुझे ग्रोथ करनी थी ना। मैंने सोचा था ग्रोथ करूंगा तो फिर और बड़ा हो जाएगा सुपरमार्केट, फिर पता नहीं एंट्रेंस कैसी अजीब सी हो जाएगी। तो ग्रोथ भी कर सकते हैं। बाकी मैं कोई लाइसेंस खरीद सकता हूँ क्या? एक सेकंड, ये क्या सामान परचेस करना था क्या? चलो मैं कर ही देता हूँ परचेस, छोड़ो ठीक है। 42 लेवल हो गया अपना, मैं लाइसेंस परचेज कर सकता हूँ मैनेजमेंट में जाके। लाइसेंस ये रहा भाई, 3 लाइसेंस खुल चुके हैं, क्या बात है। 5,600 5,600 5,600। अबे यार इतने रुपए में कहां से आएंगे, पैदा हो रहे मेरे पास। अरे तो महंगी बातचीत हो गई यार, इतने तो आ ही नहीं पाएंगे पैसे। भाई अब ग्रोथ करूंगी, पैसा लू मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही। और ग्रोथ करूं तो दिक्कत है, क्योंकि रैक्स भी कम पड़ रही है मेरे यहाँ पे, रैक्स भी खरीदनी है मेरे को। और भाई एक रैक इधर खाली, भाई भाड़ में गई ग्रोथ, भाड़ में गई। मैं आज खरीद रहा हूँ, आते ही एक नया लाइसेंस, कल तो खरीदा ही था भाई। रुक जाओ पहले देख लो मैं, ब्लीच क्लीनर डिशवॉशर टेबल, भाई ये वाला खरीद रहा हूँ, ये नया। ये पता है टॉयलेट पेपर, भाई ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन नया खरीद रहा हूँ और ये पक्का महंगा बिकने वाला है। 3, 2, 1 और मैंने खरीद दिया भाई। उसके बाद अब मैं लूंगा सबसे पहले मार्केट में जाके, एक तो मुझे ये प्रोडक्ट एड करने। भाई ये देखो 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम ही आए हैं क्या? 6 आइटम ही आएंगे, क्योंकि शुगर पाउडर तक इससे पिछली बार खुल गया था। ये 6 आइटम आए हैं जो कि मैंने ऐड कर दिए, 300 रुपए के आएंगे। फर्नीचर में चलते हैं, मुझे मंगानी टॉल रैक, 2 मंगाने वाला हूँ। 800 का आइटम हो गया है, क्योंकि टॉल रैक भी खत्म हो गई मेरे यहाँ पे, 2 टॉल रैक मंगा दिए मैंने। अभी मैं आइटम जमवा देता हूँ एक एक करके, रुको पहले तो, क्योंकि ना ये सब अंदर रखने लगे, उससे पहले मैं आइटम जमवाऊँ की प्राइस। अभी कितना बड़ा है ये, 17 रुपए का बिकेगा, 17.40 रुपीज का बेचते हैं इसको, ठीक है। वो भाई खतरनाक ही चीज है यार, ये नई वाली ब्लीच है शायद, ये नई वाली ब्लीच है, इसको यहाँ रखते हैं। ये भी याद ही आई है, अभी कितने बड़े बड़े बॉक्सेस हैं ये, 7.60 का बिकेगा ये, ठीक है। 2 आइटम रख दिए मैंने, हट जाओ। इसके बाद ये है नया वाला क्लीनर जो कि यहाँ रख देते हैं। भाई तो मोटीन है, मोटीन 9.20 की जगह 18 कर देते हैं, ठीक है, ओके करते हैं इसको। इसके बाद इसको लेते हैं, ये टॉल रैक है, रुक जाओ। अरे हाँ है कोई नया, ओके ये रहा आइटम, ये है ब्लीच, ये है ब्लीच भाई, ये ब्लीच है, रुक जाओ। ब्लीच ये पूरी आ गई शायद, हाँ यही ब्लीच है। ये बिक्री 6.87 की बेच देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद और क्या नया आइटम है, ये नहीं 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 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सारे जमा दी क्या मैंने आइटम, कितने आइटम जमाए, 1, 2, 3, 4 ही जमाए। अरे नहीं, 6 आइटम थे, हक दिया क्या नहीं जमाया मुझे ये नहीं पल्लो बात, अंदर ले लिया होगा उन लोगों ने सामान। रुक जाओ मैं देख के आता हूँ क्या नहीं जमाया है मैंने जो है प्रोडक्ट्स में जाके। डिश ये नहीं जमाया, एक तो डिश सोप है ना, हाँ ये नहीं जमाया, एक तो ये नहीं जमाया, हाँ ये नहीं जमाया है, और ये नहीं जमाया डिशवॉशर टेबल। अरे यार डिशवॉशर टेबल नहीं जमाई है और एक ये नहीं जमाई है, बाकी तीनों चारों चीज जमा दी मैंने। इसे करते हैं परचेज, ठीक है। और इसके बाद जो है कहाँ पे आए ये सामान, ये रहा, एक और रखा हुआ है बाहरी, इसको रखो ऊपर, ठीक है। और एक
ही रहा सामान। चलो भाई हो गया काम हो गया, इसको रखते हैं यहाँ पे। इसकी प्राइस सेट कर देता हूँ 5.93 रुपीज और इसकी प्राइस अबे ले गई 15.92 की। एंटर यार वो विदाउट एनी प्रॉफिट ले गई है और वो उसको खरीद लेगी देखना उतने रुपए में, दिक्कत हो गई भाई ये तो। चलो कोई बात नहीं छोड़ो, जो होगा देखी जाएगी बाद में, इसको रखो यहाँ पे है ना। नए नए धंधे में थोड़ी बहुत घाटा खाना पड़ता है, कोई बात नहीं है। और ये टॉयलेट पेपर बाहर कैसे आ रहे, ये वाले तो नहीं आते थे। अच्छा ये वाले मैं ऊपर रखता था इसलिए दिक्कत नहीं आती थी, नीचे रख रखे ना वो टॉयलेट पेपर इसलिए दिक्कत आ रही है। बाकी लाइट जलाओ भाई, लाइट जलाओ ठीक है। और रैक्स आर फुल, अरे रैक्स मंगा दिए साले, तू खुद नहीं जमा सकता क्या रैक? ये ले रैक मैं जमा देता हूँ, एक तेरी रैक होगी यहाँ पे, दूसरी रैक हो जाएगी अपने यहाँ पे। लो भाई स्टोरेज रूम भी भरने लग गया। और ये लाल लाइट कहाँ से चल रही है? अरे सारी रैक्स लाल हो गई है बताओ। चलो भाई दो रैक्स और लगा दिए मैंने और अब इनकी कंप्लेन सुनते हैं। 2,300 रुपए आ रखे आज के दिन क्योंकि मैंने नई रैक्स खोल दी थी। और 2,000 रुपए तो क्या, 1,000 रुपए तो मेरे पहले की होंगे। और ये नया टॉयलेट पेपर भी बिक गया है, हो रही है धनाधन भाई, धनाधन बिलिंग हो रही है। देखो 56 रुपीज आए एक से और एक से अभी आने वाले हैं 58 रुपीज। देख रहे हो भाई धंधा हो रहा है मेरा बड़ा, कतई भयंकर धंधा हो रहा। अब मेरा मन है ना ये सारे प्रोडक्ट्स मंगाने, दो दो एक साथ लगातार ऐड करके मंगाने, इतना पैसा इकट्ठा करो भाई, सारी रैक्स भर दूंगा फुल। बाकी लोन पेमेंट्स वगैरह सब पे हो रखा है। मैनेजमेंट में चलते हैं और ये पे करते हैं ठीक है। सारा बिल भी पे हो गया है। इसके बाद अब लाइसेंस है वापस से 5,600 का भाई। ग्रोथ है, ग्रोथ कर सकते हैं 2,600 रुपए की, आज ही कर दूंगा शायद मैं, क्योंकि सेक्शन 5 खोलना ही पड़ेगा मेरे को। या फिर यहाँ की ग्रोथ की जगह स्टोरेज की ग्रोथ करनी है। हाँ सॉरी स्टोरेज की ग्रोथ तो मैं अभी कर सकता हूँ। लो कर दी मैंने, कर दी। कहाँ से हुई ये ग्रोथ? ओ ये गाइज मजा आ गया। नया आइटम जमाऊं यहाँ पे ठीक है, और दूसरे आइटम को जमाऊं यहाँ पे। चलो अभी के लिए दो ही रैक रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एरिया खोल दूंगा ना, तीन शायद दो में खुल जाएगा, तब मैं ऐसे लाइन से रैक लगाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा एरिया खाली करना था मेरे को आने जाने का, इसलिए मैंने खाली कर दिया। क्या नहीं है? कैंडी नहीं है। चलो कैंडी ऐड कर देते हैं, रुक जाओ सर। अब चलते हैं CANDY, कैंडी ऐड कर दिए भाई। अब दो मेरे को धनाधन पैसा, क्या समझ रहे हो तुम लोग? धनाधन पैसा चाहिए मेरे को बिना किसी टाइम पास के। चलो और कंप्लेन चाहिए, अब कल से कंप्लेन लेना चालू करूंगा तुम सब लोगों की। इन चीजों को यहाँ रखते हैं जब तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सामान वामान खराब हो जाएगा। सॉलिड सामान के ऊपर से ले गया, बताओ कोई बात? हाँ भाई क्या नहीं है? अरे देखना भूल गया। चलो भाई आज का दिन करते हैं समाप्त। और आज का अपना टोटल प्रॉफिट 3,600 रुपए का भाई, मतलब इनकम है, टोटल प्रॉफिट तो माइनस में। कैंडी की प्राइस घट गई है जो कि अपने को कल मंगानी थी। सही है भाई, कैंडी आज सस्ते में आ जाएगी। अभी मेरे को चाहिए चिकन और फ्रेंच फ्राइज। रुक जाओ, CHI चिकन, इसको खोलो ठीक है। फ्रेंच फ्राइज ऐड कर दिए, यहाँ पे सारा आइटम मंगा दिया। अब यहाँ से देखते हैं, इसमें नहीं है 8 पैक ऑफ एग्स, नहीं है शायद मोजरेला चीज, नहीं है 8 पैक ऑफ एग मोजरेला चीज ठीक है। अभी पहले ऑर्डर कर देता हूँ ये सामान। अरे 7 रुपए कम पड़ रहे, कोई कस्टमर आया? अरे सर जल्दी दीदी अरे दीदी एकदम भयंकर आड़ी है। ओके 8 पैक ऑफ एग नहीं थे वो, मैंने मंगा दी। कितने? 1, 2, 3, 4 भाई 4 पैक्स ऑफ एग भी नहीं है, और पैक कह रहा हूँ मैं, पैक ठीक है, और 8 वाली भी नहीं है शायद, 12 वाली। इसको तो करते हैं परचेज। अब 4 पैक्स ऑफ एग भी नहीं है, है ना, और 12 पैक्स ऑफ भी नहीं है। चलो मंगा दी मैंने, सब मंगा दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या नहीं है? सुशी वगैरह नहीं है कोई सी भी ठीक है। क्या नहीं है? 4 पैक ऑफ एग मेयोनीज, रुक जा, मेयोनीज सुशी स्मॉल लार्ज, अरे ऐड ही नहीं कर सकता मैं। सुशी लार्ज वाली तो ऐड कर लिए, 900 रुपए चाहिए भाई, जल्दी से करो तुम लोग ठीक है बिलिंग मेरी। और भाई अपना स्टोरेज भी काफी बढ़ गया है। क्या नहीं है? शुगर और सीरियल्स। अरे अब मैं क्या बताऊंगा, दो दो आइटम तो मंगाऊं यार, ऐसे मत करो, आते ही पैसा खत्म हो जाता है सारा। अभी तो लोन लिया था मैंने इतना सारा, पास्ता स्पैगेटी भी नहीं है। लो 80 रुपए हुए हैं, दीदी के 30 रुपए नहीं हो पा रहे हैं पूरे। रैक्स अभी भी खुली है यार, मतलब रैक्स अभी भी भरी नहीं है सारी, और सामान मंगाना पड़ेगा। ये क्या है? SAPU क्या होता है? शैम्पू तो जरूर सुना है। इस पे क्या लिखा है? किल मोल। अरे भाई ये वही है, काला हिट आता है ना, काला हिट मोटीन, वही सब है। रुक जाओ यार, 900 रुपए कर दो, ये मंगा दूं। सुशी एक कर देता हूं, लो अब मंगा दूं। मैं इनकी कंप्लेंट्स ही सुन सकता, बस मंगा नहीं सकता कुछ भी। 64 दे के जा रहे, वो कंप्लेन नहीं करके जा रहे। पास्ता स्पैगेटी मंगा रहा हूं भाई, मंगा रहा हूं। इस पे क्या मैं बिलिंग कर लूं? खड़ा होके कोई तो आ जाओ। आ गई दीदी। 880 रुपए हो गए भाई, बस थोड़े से रुपए और। 1,100 रुपए चाहिए मेरे को। अरे नहीं थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा रुपए और चाहिए। मंगा रहा हूं भाई, मंगा रहा हूं, सॉल्ट वगैरह सब मंगा रहा हूं यार, पैसे दे जाओ तुम। 180 रुपए और। रुक जाओ, स्पैगेटी वो सुशी एक कर दिए मैंने, और जो है स्मॉल सुशी भी मैं एक ही मंगा देता हूं अभी। इसके बाद मेरे को चाहिए पास्ता स्पैगेटी, और मेरे को चाहिए
सीरियल्स ये वाले ठीक है, और मेरे को चाहिए भाई ये क्या खत्म कर दिया है, टॉयलेट पेपर खत्म कर दिए क्या नए वाले, अरे शिट कर दिए इन लोगों ने, टॉयलेट पेपर ऐड कर दिए। और बताओ एप्पल जूस ऐड करना है, AWP एप्पल जूस ऐड हो गया है, और बताओ टॉयलेट पेपर ऐड कर दिया है, हैंड सोप ऐड करना है, हैंड सोप ऐड कर दिया है, और बताओ सर जी 117 रुपए दो जब ऑर्डर होएगा जल्दी करो। डिशवॉशर टेबल क्लीन डिस्क कौन सी वाली है, पुरानी वाली, नई वाली भी खत्म हो चुकी है, नई वाली कौन सी ये क्या नई वाली डिशवॉशर टेबल, हाँ नहीं नई वाली खत्म नहीं हुई है, पुरानी वाली खत्म है, टॉयलेट पेपर भी खत्म है, इसका पैसा आ गया, इसको करते हैं परचेज। और इसके बाद अभी जो है मुझे क्या मंगाना था, मैं भूल जाता हूँ एक तो भाई रुक जाओ, अरे लाइट जलाओ क्या क्या क्या, अरे क्या दिक्कत आ गई, सारी दिक्कत आ गई, डिशवॉशर शैम्पू तो आ गया है, और ये कौन सा था रुक जाओ, डिशवॉशर ये वाला, ग्रीन टी ये वाली ठीक है, और एक पर्पल कलर का कुछ तो था यार क्योंकि मैंने मंगाया नहीं है, ये वाला ठीक है, और ऑर्डर कर दिया हमने ये वाला, और इसके बाद चाहिए सॉल्ट, और हमको चाहिए ओके लाइट कॉफी डार्क कॉफी ऐसे, ये वाला सॉल्ट लाइट कॉफी ये वाली, इसको करो ऑर्डर, 1000 रुपया ही आया रे दादा, रे दादा, अरे पर तुम लोग सामान इतनी जल्दी जमा रहे हो क्या क्या क्या, अरे दो दो कंप्लेन मत किया करो एक साथ यार, मंगा रहा हूँ ना सबर कर लो थोड़ा, आज मैंने जो है नया प्रोडक्ट लाइसेंस खरीद दिया तो ज्यादा उचक रहे हो तुम लोग, क्या चाहिए क्या 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 क्या, क्या सस्ता गर्म हो गया, सस्ता हो गया क्या, ज्यादा हो गया, जाओ 1000 रुपए कर जाओ भाई, बस समझो मेरी बात को, रुक जाओ भाई एक एक ही मंगाता हूँ मैं, इससे क्या होगा सामान तो आएगा कम से कम, सामान भरा हुआ तो रहेगा, पैसा जब ही आएगा, पास्ता वास्ता छोड़ तू पहले, ये देख ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, डार्क कॉफी ओके, डार्क लाइट वाली मंगा दी शायद मैंने, डार्क मंगानी है, डार्क वाली एक ऐड करी, इसके बाद मेरे को ऐड करना है यहाँ पे 20 सीरियल्स, वो सीरियल्स चाहिए दूसरे वाले, ये वाले सीरियल्स चाहिए ठीक है, इसके बाद चाहिए फ्लोर, और यहाँ क्या रखा है, बियर भी खत्म है, बियर दोनों खत्म है, दो BEE ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, और वाटर बोटल भी खत्म है, दोनों मंगा लेता हूँ, वाटर बोटल ऐड कर लिया मैंने, ये इसका नाम कौन सा वाला वाटर बोटल है, दोनों का नाम वाटर बोटल ही है भाई, अभी कोई बात है, यहाँ पे क्या खत्म है, यहाँ पे कुछ खत्म नहीं है, यहाँ पे खत्म है, ये क्या कहते हैं स्टिक खत्म है शायद, ये ऐड कर दिए मैंने ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या खत्म है, ये आइसक्रीम खत्म है, आइसक्रीम ऐड कर दिए मैंने, और क्या खत्म है बताओ, शुगर पाउडर खत्म है, ले शुगर पाउडर ऐड करता हूँ, शुगर पाउडर ऐड कर दिया, और बताओ भाई यहाँ पे क्या खत्म है, नई वाली ब्रेड खत्म है, और सैंडविच ब्रेड खत्म है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ब्रेड ऐड कर दिए तेरी, के बाद यहाँ पे क्या खत्म है, ओके नया वाला ब्लीच खत्म है, ये ऐड कर दिया, अरे नहीं हो पाएगा आज ऐड, आज का दिन करते हैं भाई खत्म, और आज का अपना टोटल प्रॉफिट है 3200 रुपए का, जो कि बहुत कम है, और आज प्राइस घटी बढ़ी है उसको करेंगे बाद में देखेंगे, पहले इसको करो परचेज ठीक है, उसके बाद इसको करो ऐड, इसको करो ओपन, और भाई सामान जल्दी जल्दी तुम लोग जमाओ ठीक है, जब तक मैं और सामान मंगाता हूँ, अच्छा प्राइस घटी बढ़ी है ना पहले उसको देखता हूँ, क्लीनर की प्राइस बढ़ गई है, इसकी प्राइस बढ़ाओ 7.79 की कर देते हैं पूरा प्रॉपर, पैसा चाहिए मेरे को आज बहुत सारा, इसके बाद सैंडविच ब्रेड की प्राइस बढ़ गई है, सैंडविच प्राइस की अरे चलो कोई बात नहीं, इसके बाद प्राइस बढ़ी है घटी है भाई क्रैब स्टिक और लार्ज सुशी की 4.72 सही बिक रही है, भाई लार्ज सुशी की प्राइस नहीं घटाने वाला मैं, 26 की बिक रही है कोई नहीं चलो घटा देते हैं, 27.90 कितने की थी ये पहले कितने की थी भाई, उसने ले ली, इसने कितने की लिए सुशी कितने की लिए, एक सेकंड रुकना, अरे 2 रुपए की लगा के आ गया मैं, उसे कितने की ली थी, कितने की ली थी लार्ज सुशी 27.60 कुछ तो है ठीक है, सही लगा दी मैंने उसको, 27.70 लगा दे ठीक है, चलो अभी बिक रहा है भाई सामान, बिक रहा है जल्दी जल्दी बिक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसकी प्राइस बढ़ी है ना सिर्फ वही बढ़ाऊंगा, क्योंकि घटी वाली के यार मेरे को घाटा हो जाता है थोड़ा बहुत, चलो सब कुछ सामान सही है, अभी मुझे ऑर्डर करना है, एक आइटम ऐड कर रखा है मैंने, और आइटम ऐड करवा दो तो मैं ऑर्डर करूं सामान, यहाँ पे क्या है ऑरेंज जूस खत्म होने वाला है, ऑरेंज जूस ऐड कर दिया है, इसके बाद यहाँ पे क्या खत्म है, सुशी खत्म है, सोडा खत्म है, जब सोडा कोक सोडा और नीचे वो खत्म है, सोडा ये खत्म है, ये खत्म है, और ट्रुक सोडा का रखा हुआ है भाई, ट्रुक सोडा रखा हुआ है, सुशी खत्म है, सुशी लार्ज वाली ठीक है, इसके बाद ये क्या सैलमन खत्म है, एक सैलमन ऐड कर लिया है मैंने, एक फ्लोर खत्म है, शुगर पाउडर ओके, नया वाला सारा आइटम खत्म है, सैंडविच ब्रेड अभी यार अभी तो मंगाई थी, जो कल के दिन नया आइटम मंगाया था ना ये ठीक है, ये और ये सब खत्म है, चिप्स रखी है चलो ये सारा आइटम मंगाते हैं, 10 आइटम हो गया परचेज, और भाई लोन भी चुकाना है, लेकिन वो लोन चुकाएंगे बाद में, पहले जिस जिस की कमी आ रही है ना सब कुछ पूरा कंप्लीट करते हैं, ये क्या है कोक को रख देते हैं अपन यहाँ पे, भाई डाउन टू अर्थ बंदा हूँ, डाउन टू अर्थ बंदा देख रहे हो तुम, सामान जमा रहा हूँ इतने सारे नौकर होने के बाद, हर वीडियो में बोलता हूँ जिससे इज्जत बढ़ जाए, चलो बायो जूस जमाना है, यहाँ जमाते हैं बायो जूस, इसके बाद कैचअप नहीं है, कैचअप लेनी है, कैचअप 3 ऐड करता हूँ, अब 3 दिन वाला सिस्टम करते हैं भाई वापस से, ये लो परचेज, अब क्या नहीं है फ्लोर ठीक है, फ्लोर ऐड कर दिया है, क्लीनर
क्लीनर नहीं है, क्लीनर क्लीनर एक तो ये वाला है, कौन सा क्लीनर नहीं है, ठीक है नया वाला नहीं है, क्लीनर ऐड कर दिया है और क्या नहीं था ध्यान नहीं दिया मैंने, फ्लोर में मंगा रहा हूँ रुक जाओ, 6 आइटम हो गए, परचेज करो, 6 पैक ऑफ मिल्क नहीं है, 6 पैक ऑफ मिल्क ऐड करके परचेज कर दिया है, वोट का नहीं है और परचेज कर दी है, शुगर ब्राउन नहीं है, शुगर ब्राउन ऐड कर दी है और परचेज कर दी है, और बताओ भाई और बताओ, अब आएगी यहाँ पे भीड़ भड़का, अब देखो तुम अब आएंगे सामान बहुत भयंकर, क्या शुगर पाउडर मंगा दिए भाई, शुगर पाउडर नहीं मंगाया क्या, क्या पता भाई, SUG शुगर पाउडर ऐड कर दिए 3 और ये परचेज कर दिया मैंने, और बताओ कोई कंप्लेन आने ना पाए भाई, लाइट वाली कॉफी नहीं है, टी ब्लैक नहीं है, रुक जा, टी ब्लैक ऐड कर दिए, डार्क वाली कॉफी ऐड कर दिए, ठीक है, अरे डार्क नहीं लाइट वाली ऐड करनी है और पास्ता ऐड करना है, ठीक है लाइट वाली कॉफी पास्ता, इसके बाद एक टॉयलेट पेपर ऐड कर देता हूँ इसमें, टॉयलेट पेपर ऐड करा और इसे परचेज करा, और कंप्लेन है कि चॉकलेट बार कॉफी लाइट, ठीक है मंगा दी, चॉकलेट बार मंगानी है बस, अब चॉकलेट बार 3 ऐड करी, परचेज कर दी, भाई साहब सारे कंप्लेन सारी है, पापा राजी वाला पास्ता, पास्ता मंगा दिया पापा राजी वाला, क्या था क्या था क्या था क्या था, अरे शिट हो जाती है, क्लीन डिस्क है यहाँ पे, ये वाली भी है, ये क्या है, टॉयलेट पेपर नहीं है नया वाला, ब्लीच नहीं है, BLE ब्लीच कौन सी वाली चाहिए, ये वाली चाहिए थी उसे, ठीक है और क्या चाहिए, पोटेटो बैग चाहिए, ठीक है पोटेटो बैग, इसके बाद क्रैब स्टिक इज टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव रहेगी भाड़ में जा, ठीक है और यहाँ पे केक नहीं है, पापा वाला केक नहीं है, सैंडविच ब्रेड नहीं है, अरे सैंडविच ब्रेड कितनी मंगा दी भाई, केक सैंडविच ब्रेड ब्रेड केक मंगाना है अभी 2, ठीक है और क्या नहीं है, रुक जाओ यहाँ पे पास्ता नहीं है नया वाला जो पास्ता आया था लास्ट टाइम, इसके बाद यहाँ पे सब कुछ है, क्या नहीं है, टॉयलेट पेपर नहीं है कोई सा, तो टॉयलेट पेपर ये वाला नहीं है, ठीक है ये लो इसे परचेज करते हैं, अरे नहीं 9 बज गए, लो कर लो बात, मंगाऊंगा भाई अब कल मंगाऊंगा, अब तुम्हें जो करना है कर लो, बस मेरे को पैसा दे के जाओ कि मैं लोन चुका दूं, 2 दिन का लोन पड़ा होगा मेरे माते, ठीक है लो बैंक में चलो, पेमेंट्स में चलो, ये पे हो गया और भाई 1325 का बचा है बस, लेट्स गो भाई, ये मजा आ गया, क्या नहीं है शुगर पाउडर चिकन, अबे शुगर पाउडर कहाँ जा रहा है, जमा नहीं रहे हैं क्या, इतना सारा शुगर पाउडर मंगाने के बाद कहते हैं ये लोग कि शुगर पाउडर नहीं है, बताओ 3 बॉक्सेस मंगाए थे मैंने शुगर पाउडर के, कहाँ रहे तुम लोग, क्या काम कर रहे हो जरा दिखाना मेरे को, लाइट जलाओ, क्या है कहाँ, एक लौंडा तो अंदर से जमा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा ये रहा, भाई तीनों जमाने में लग रहे हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, और आज का ये लोन भी करते हैं समाप्त और चलते हैं मैनेजमेंट बिल्स में, और ये करते हैं पे भाई, 1,26 रुपए और देके जाओ, 65 रुपीज दो जल्दी, ओके 63 रुपीज हो गए, अरे 2-3 रुपए और दे दो यार, तो मैं बड़े बड़े आदमी आते हो यार, मैं गरीब आदमी छोटा सा स्टोर खोल के बैठा हूँ, देखना छोटा सा नहीं है, 2 मालिक आया ये बस, ओके क्लीनर शुगर पाउडर, कौन सा क्लीनर चाहिए भाई तेरे को, ये पे करो, ठीक है इसके बाद में वो मोर्टिन वाला क्लीनर खत्म हो गया ना, वो कल के दिन मंगाएंगे, आज के दिन सारे सब चले गए, चलो भाई आज का अपना टोटल प्रॉफिट है 3,100 का, चलो अभी नेक्स्ट डे शुगर, अबे यार सबकी प्राइस घट गई है, कोई बात है ये, और मैं माइनस में चला गया हूँ आज के दिन, और अभी और जाने वाला हूँ क्योंकि सबकी प्राइस घट गई है सबकी, और मैं सबकी घटाने भी वाला हूँ, शुगर पाउडर की प्राइस घटी है सबसे पहले, तो शुगर पाउडर किधर रखा है, शुगर पाउडर है ही नहीं अपने यहाँ पे, अबे खत्म वतम हो गया क्या भाई, इन सब आइटमों को ना वापस जमाना पड़ेगा यार, क्योंकि अब देखो शुगर पाउडर ही नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं तो रखा होगा पक्की बात है, और नहीं रखा है मतलब खत्म हो गया है, गाइस क्यों ना ऐसा करा जाए, ये जितना भी आइटम पड़ा है ना शॉप में सारा बिकने देता हूँ एक दिन, ठीक है कुछ नहीं खरीदूंगा, ठीक है मेरा स्टोर थोड़ा माइनस में ज्यादा जाएगा है ना, लेकिन क्या है फिर मैं एक जगह, जैसे एक सेक्शन है ना, एक सेक्शन एक का बना सकूंगा, सीरियल्स वगैरह ये सब चीजें एक जगह आएंगी, जैसे अभी फैली हुई है, एक यहाँ रखा है फ्लोर, एक यहाँ रखा है, रुकना जरा, शुगर पाउडर यहाँ है ना, तो शुगर पाउडर यार इस वाले सेक्शन में होना चाहिए कहीं ना कहीं, अब है ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं शुगर पाउडर जमा हुआ कहाँ है, यही तो दिक्कत है गाइज बिजनेस की, यही दिक्कत, थोड़ा मैनेजमेंट वाली दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अब इसके लिए गाइज मैं ये सोच रहा हूँ, इसके लिए पहले लोन चुका हूँ, पता है लोन जब तक चलेगा ना, जब तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, जैसे ही लोन खत्म फिर मैं अपने पूरे सारे सामान बेच दूंगा एक बार क्लियरेंस के लिए, और फिर अपना सामान जो है वापस से बेचना चालू करूंगा, जीरो से स्टार्ट करने, लेकिन यार जीरो से स्टार्ट करूंगा ना तो बहुत घाटा हो जाएगा यार, अभी माइनस में चल रहा हूँ बताओ जब तो कितना घाटा हो जाएगा, चलो जब तक शेयर करके आते हैं अपन इसकी गाड़ी में बैठ के, अरे कर क्यों नहीं पा रहा हूं मैं, एक सेकंड रोक गाड़ी, रोक साले गाड़ी रोक दी गाई, अब इस गाड़ी में बैठ के शेयर करके आते हैं कुछ देर, ये रेड लाइट हटेगी तभी चलेगी, अरे ये रेड लाइट हट गई गाई, अब ये मोड़ता भी तो आराम से है, गाड़ी निकालो, ओ ये मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइज बताओ, अरे गिर गया गाड़ी से गिरने का नहीं है, अरे रोक ले गाड़ी वाले, क्या कर रहा पावड़ा सा है क्या, थोड़ा सा ले ले साथ में ले लेना यार, भाई क्या मजा आ रहा है गाड़ी में घूमने में, अरे गाड़ी निकल गई, गाड़ी चली गई बड़ी जोर से, भग जा तेरी ऐस तेस, मैं तो जा रहा हूँ अपने सुपरमार्केट में, ठीक है, और भाई ये पूरे सुपरमार्केट को खाली करना पड़ेगा, लेकिन पहले लोन चुकाऊंगा मैं, उसके बाद खाली करूंगा, चलते हैं बैंक में एक एक करके लोन चुकाते हैं, और लोन्स जो है अर्ली पे ऑफ करके चुकाने वाला हूँ इस बार, अब मुझे नहीं पता कैसे चुकाऊंगा कैसे नहीं, लेकिन भाई मेरे को लोन चुकाना है, ठीक है मैं एक एक सामान इसको जमाऊंगा, कुछ भी हो जाए एक एक सामान जमाऊंगा, पैसा दो अब तुम लोग, बहुत सारा पैसा चाहिए मेरे को, ठीक है मार्केट में चलो और 318 रुपए का ये परचेज करने दो, पहले तो सामान भी दो मेरे
यहाँ पे स्टोर में, अभी मंगा रहा हूँ। जैसे लोन पूरा हो जाएगा ना, अब जो नया लोन लेने का टाइम आएगा उससे पहले पहले मैं अपने सारे इसको सबको बेच के और फिर वापिस से नया स्टोर जमाऊंगा भाई। लेकिन यार जितना आसान है ना बोलने में उतना है नहीं। कौन सा फ्लोर खत्म हो गया? राइसमती 22 खत्म हो गया। राइसमती 22 राइस मंगाओ, 3 ऐड करो, परचेज करो और बोलो भाई। कोई कंप्लेन नहीं आ रही है? ऐसी नहीं आती भाई, छोटी मोटी कंप्लेन आती है मेरे, आती है तो हर बार नहीं आती कंप्लेन। योगर्ट नहीं है, ठीक है योगर्ट मंगा देते हैं। चीज नहीं है, टूना नहीं है, चीज और टूना नहीं है, चीज नहीं है, टूना नहीं है और पोटेटो बैग नहीं है। ओके, अरे मैं इधर कैसे आया? अरे सुसू करने गया, जाता हूँ इधर उधर हो जाता हूँ भाई। चलो अभी मैं क्या कर रहा था लास्ट टाइम, एक सेकंड भाई, मैं जो है इमरजेंसी ब्रेक पे गया था थोड़ा सा, ऐसे चला जाता हूँ एकदम से उठ के मैं। मेरे को भी आ जाती है भाई, मैं यहाँ देखो मैं बताऊँ तो मैं काम उतने जाता हूँ, मैं सॉरी हाँ सुसू करने जाता हूँ। यहाँ पे टॉयलेट है देखो, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ और चला जाता हूँ। रात रात में जाता हूँ, लेकिन हर बार रात में ही जाता हूँ, तुमने देखा होगा। बाकी ऑयल वॉयल, अरे 2000 रुपए आ गए, व्हाट इज दिस। और भाई आज कुछ सामान नहीं मंगाया मैंने, कुछ भी नहीं मंगाया है आज। मंगाया था वैसे थोड़ा बहुत मंगाया था सुबह के दिन। ये दीदी बच रही है लास्ट, इसके बाद में कल का दिन चलते हैं। और आज 2000 रुपए मिल गए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कल का बहुत सारा सामान आ जाएगा। आज का दिन करते हैं समाप्त, और आज 113वां दिन चलेगा शायद अगले दिन। और आज थोड़ी कमाई कम हुई है क्योंकि सब चीज की प्राइस घटे ही जा रही है बे हद है। रुक जा, हनी मंगा दे। अच्छा पहले तो इसे करो परचेज, ठीक है, उसके बाद करो इसको ओपन। और अब मैं ना जब जब प्राइस घटेगी ना तब तब वो आइटम मैं 5-5 मंगाऊंगा, लेकिन 5 जितनी औकात नहीं है फिलहाल। 2-3 आइटम मंगाते हैं, परचेज करते हैं। अब कस्टमर्स को आने दो और उनकी कंप्लेन सुनेंगे, बाकियों को सामान जमाने दो। 1200 रुपए बचे हैं आज के लिए, और थोड़ा बहुत लोन आ गया होगा वो रात में चुकाएंगे। बैंक में जाके देखो ये लोन पड़ा हुआ, ठीक है, लोन्स वगैरह पड़े हैं। मैं बिल्स भी होंगे थोड़ी बहुत बिल्स, अरे थोड़ी बहुत नहीं है ये बिल। ग्रोथ करना चाह रहा हूँ, स्टोरेज बढ़ाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चलो भैया अब इनकी कंप्लेन सान दो एक एक करके और चेकआउट। यार क्या प्यार लगता है मेरा चेकआउट, देख रहे हो सिस्टम है सिस्टम। ऐसी मुझे सब जमाना शुगर पाउडर नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हैं शुगर पाउडर? कितने कितने मंगाए मैंने शुगर पाउडर, कितने ही तो मंगाए हैं शुगर पाउडर। ओ शुगर पाउडर पे पाउडर मंगाया जा रहा हूँ। और ये शुगर नहीं, ये वाला तो नहीं मंगा रहे, कौन सा मंगा रहे हैं भाई? ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। और मैं हर बार ये वाला शुगर पाउडर मंगा रहा हूँ, और इनको चाहिए था सुसु वाला शुगर पाउडर, बहुत बढ़िया। डिश सोप मंगाता हूँ, रुक जाओ, डिश सोप ये वाला चाहिए इनको, ठीक है, ये भी मैंने परचेज कर दिया है। इसके बाद क्या नहीं था भाई, मेरे को बोल जाया करो। शैम्पू सोप डिश वॉशर बोटल वाटर, अरे लो सब खत्म हो गया, जीवन में कुछ नहीं बचा है। 1, 2, 3, 4 इसे करो ऑर्डर फटाफट मेरे यार, ठीक है। इसके बाद ब्रेड और ऑलिव ऑयल और चीज परचेज करो, आ गया सारा सामान। और वापस से भर के जाऊंगा भाई ये वाली चीज आज के दिन। पीनट बटर, ठीक है, पीनट बटर ऐड करा, इसको करा परचेज। और बताओ आ गया भाई सामान, आ गया वापस से। और अब इनकी आफत बटी बेटे, आफत आई तुम लोगों की, लो इस ये स्लिप्स वगैरह उठा देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। वैसे तो बहुत चीजें मंगा दी मैंने, क्या है ब्लीच, कौन सा WC नया वाला ब्लीच है। 3 आइटम ऐड करिए, परचेज कर दिया। और बताओ और बताओ जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास। ओके ये वाली बियर, ये वाली बियर खत्म हुई है शायद, यहाँ रखी रहती है, हाँ ये वाली खत्म है। इसको करते हैं अपन यहाँ से परचेज। और क्या है चिबी सीरियल्स, ये लो चिबी वाले सीरियल्स ऐड कर दिए, परचेज कर दिए। इसके बाद बेटे कुछ भी रहना नहीं चाहिए, अबे मंगा दिए ना, रुक जाना, ये रहे ये ले, ये ले जा, ये ले जा। अरे ये तो दारू की बोतल है, गुस्सा हो जाएगा, नहीं पता नहीं कहाँ है। अबे 2-3 दिन आइटम लेके जा रहे हो, वाटर बोतल खत्म होगी, एम से कोई नाम तो है, वाटर बोतल 1-2-3 इसको करो परचेज। और बताओ भाई कंप्लेन, 700 रुपए रह जा रहे हैं, कितने ऑर्डर कर दो, 700 रुपए तो पड़े हैं परमानेंट अब मेरे पास। और सारी रैक्स वापस भर चुकी है, टॉयलेट पेपर नहीं है, हॉट सॉस नहीं है और सॉल्ट नहीं है। चलो भाई ये करो परचेज, सारा सामान मंगा दिया है और वापस से ये एरिया भरने लग गया है। अब आएगा ना सामान मंगाने में मजा, 250 रुपए। और आज जहां तक मुझे उम्मीद है बिलिंग बहुत तगड़ी हुई होगी, 3000 से ऊपर का पैसा मैंने कमाया होगा। और शायद मैंने लोन चुका दिया है, क्या लोन नहीं चुकाया है आज मैंने, लोन भी चुकाना है। पहले चलते मैनेजमेंट बिल्स और बिल चुकाएंगे 6-9 बजे बाद। चीज मंगानी है, मंगाता हूँ, नई वाली चीज भी खत्म है, नई वाली चीज मोजरेला चीज और मैश्ड पोटेटोज, इनको करो परचेज। 2 आइटम और ऐड कर लू, बताओ कुछ। मिल्क खत्म है, बाहर आ गया सामान बहुत भयंकर, डिश वॉशर बाउन वाली। और बता भाई तू बता क्या दिक्कत आ रही है तेरे, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना जे बात। चलो अभी मैं 9 बज गए क्या, 9 बज गए, 9 बज गए। अब चलते हैं बिल्स में, इसको करते हैं पे सबको। अब इनकी कंप्लेन सुनूंगा धीरे धीरे करके, और जब तक मैं बैंक खोल के बैठ जाता हूँ पे कर देता हूँ। डिश वॉशर बाउन वाला मंगा दिया है मैडम, पास्ता स्पैगेटी नहीं मंगाई है, वो मैं अभी ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये पास्ता स्पैगेटी ऐड कर दिए। और बताओ सर, और ऑरेंज जूस ऐड करना है, अभी कर देता हूँ। ओ अरे ऑरेंज जूस ऐड कर दिया है। और बताओ और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको करते हैं पहले तो एक माइनस, ठीक है। और अरे निकलता हूँ साले, वैसे ही बता देते हैं कंप्लेन मैं हूँ। ओके कैंडी खत्म हो गई है और ये खत्म हो गया है, ये कैंडी मंगा दिए। चलो भाई 10 आइटम ऐड कर दिए, अब कल के दिन ऐड हो गए। बाकी कैंडी खत्म है, स्पैगेटी मंगा ये ऐड कर दी है, इसमें क्या खत्म है, ग्रीन वाली बियर बोतल खत्म है, बाकी तो सारा आइटम पड़ा है। ऑरेंज जूस, अबे हाँ ऑरेंज जूस भी खत्म है, ठीक है ऑरेंज जूस मंगा देंगे कल के दिन। आइसक्रीम भी खत्म है,
चॉकलेट वाली, ठीक है। चिकन भी खत्म है, पिज्जा भी खत्म है भाई, आइसक्रीम चॉकलेट, ठीक है। आज का दिन करते हैं समाप्त। और आज अपना टोटल प्रॉफिट हुआ है 3,200 रुपए का, बोला था ना 3,000 से ऊपर ही हुआ होगा प्रॉफिट, जो भी हुआ होगा। इसको करते हैं परचेज, अभी मंगाते हैं ऑरेंज जूस, ठीक है, और इसको खोलते हैं। और इसके बाद था आइसक्रीम, इसके बाद चिकन, और यहाँ पे कुछ तो मिसिंग था, नहीं यहाँ पे कुछ मिसिंग था क्या? ओके, ये तो मैंने मंगा ही दिया है अभी अभी। मैं 6 पैक ऑफ मिल्क खत्म है अभी ना, मेरे को वो देखने का था, क्या देखने का था, मैं क्या देख रहा था, एक सेकंड को, मैं देखने वाला क्या था, मैं कुछ तो देखने वाला था यार, भूल गया मैं। इन चीजों को जो है अभी एक के ऊपर एक यहीं रख रहे देते हैं यार। और कंप्लेन आ रही है गंदी वाली, अरे शिट हो गई, कंप्लेन कहां से पूरी करूं इन लोगों की, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैनेजमेंट में चलो, आर्ट में चलो, 225 रुपए और दो भाई तुम लोग, तब मैं मंगा सकूंगा कुछ। बैंक में जाके देखते हैं, लोन्स में लोन सारे चल रहे हैं, और इन लोगों की कंप्लेन पे कंप्लेन, क्या करें, गरीब आदमी एक क्या करे, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। इन सारे आइटमों को मैं अंदर रखवा देता हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा कचरा, वरना गाड़ी चढ़ के भाई सब कुछ कचरा हो जाएगा, ठीक है। रखो इसको यहाँ, रखो यहाँ, रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ। चलो भाई, क्या 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 दिक्कत है। 5.3 सस्ती तो है, ये भी सस्ती है, क्रैब स्टिक महंगी बिक रही है, 7.50 की बेचते हैं, चलो 45 की, ठीक है, अब तो ठीक है। 400 रुपए आ गए मेरे पास, शायद मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, हाँ ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर करते हैं इन सब चीजों को, अब देखते हैं जाके क्या चीजें दिक्कत दे रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे बच्चे को डरा रही है। बच्चा मेरा सुपरमार्केट है ना भाई, बच्चा सुपरमार्केट डर रहा है इन लोगों से। ओहो, शैम्पू ले जा रहे हैं, क्या बात। चलो भाई, कंप्लेंस आना कम हो गई है, बट लोग बाग बोल रहे हैं प्राइस वगैरह महंगी है थोड़ी, 26.00 का कर देते हैं इसको, अगर महंगा लग ही रहा है लोगों को। और ये सब कुछ सही है यार, प्राइस सब कुछ सेट है। पिज्जा मिक्स खत्म है, पिज्जा मिक्स ऐड करके मैंने कर दिया है परचेज। इसके बाद और कोई कंप्लेन हो तो बताओ मेरे को। यहाँ पे खत्म है पिज्जा मिक्स, पिज्जा दोनों वाले पिज्जा खत्म है भाई, दूसरा पिज्जा भी खत्म है, रुक जाओ, दूसरा वाला पिज्जा है ये कैंडलर, इसको करो परचेज। और अब मेरे पास वापस 22 रुपए बचे हैं, वाओ, दोनों की बिलिंग हो गई है भाई, 340 रुपए आ गए वापस। अभी ना गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी एंट्रेंस बदलते हैं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जब ग्रोथ होगी ना अपने स्टोर की, तब की तब देखी जाएगी। अपना यार रिपेयरिंग का काम आधा अधूरा रह गया है, रिपेयरिंग का काम एक तो ऐसे आधा अधूरा रह गया है कि दो दो प्रोडक्ट लाइसेंस खरीद दिए बहुत महंगे महंगे, और ये फ्लोरिंग का काम रह रहा है यहाँ पे। और मेरे को ना एंट्रेंस बदलनी थी थोड़ी बहुत, तो मैनेजमेंट में जाते हैं, कस्टमाइजेशन में जाते हैं, 750 रुपए हो रखे हैं। अब मैं देखने वाला हूँ सारे एक एक करके, जो अच्छा लगेगा ना मैं वो चेंज कर दूंगा। एक तो ये है व्हाइट कलर का, और अपना स्टोर है ना पूरा व्हाइट है, तो ये अच्छा लग सकता है। बाकी ये ब्लैक कलर का, इसमें इतना मजा नहीं है। ओके, ये भी गजब लग रहा है। उसके बाद है ये, नहीं ब्लैक इतना ठीक लग रहा है, बट ब्लैक में मजा नहीं, मतलब थोड़ा डिजाइनिंग डिजाइन वगैरह कम है। उसके बाद ये ग्रीन है, नहीं ये लग रहा है सुपरमार्केट जैसा इस छपरी की वजह से, लेकिन नहीं। ओके, ये नॉर्मल वाला आ गया। मैं कराने वाला हूँ गाइस ये वाला, या तो एक ये, ठीक है, या फिर ये भाई, ये लग रहा है मुझे सबसे बेस्ट, क्योंकि ये मेरी टाइल से मैच कर रहा है। 3, 2, 1 एंड अप्रूव भाई, मैंने खरीद दिया है। अभी बाहर जाके देखते हैं, पहले लाइट जलाओ इसकी, और अब देखते हैं बाहर। ये देखो भाई क्या तगड़ा एंट्रेंस लग रहा है, और यहाँ पे एक साइकिल भी आ गई है मेरे लिए, है क्या? अरे मेरे लिए साइकिल क्यों नहीं आती, ये कचरा किसका पड़ा है यहाँ? साले नई नई एंट्रेंस करवा, ये कचरा करो साफ यहाँ, समझे? कांट फाइंड द चिप्स, अरे दे दूंगा तेरे को चिप्स यार, अब कोई बात नहीं, पैसा सारा खर्च। उई उई 900 रुपए आ गए, उई क्या चल रहा है ये, अभी अभी तो मैंने इतना सारा खर्चा करा फिर भी 900 रुपए आ गए। तुम तो कतई मेहरबान हो रखे हो, लेकिन यार रात हो गई है, मैं सामान मंगा देता हूँ 9 बजे तक तो इनके लिए, उसके बाद नहीं मांगूंगा। चिप्स कौन से खत्म हुए थे बताओ मेरे को, क्योंकि लोन चुका है, 2-3 दिन का लोन बचाओ। टॉयलेट पेपर नहीं है, ग्रीन टी नहीं है, ठीक है, टी ग्रीन नहीं है, टॉयलेट पेपर नहीं है, चीपस नहीं है, ठीक है, इन चीजों को करते हैं ऑर्डर वरना हो जाएंगे 9। चलो 6 आइटम ऑर्डर कर दिए मैंने, टॉयलेट पेपर मंगा दिए भाई तेरे प्राउडली वाले, अच्छा दूसरे वाले मंगाने थे भाई को, महंगे वाले टॉयलेट पेपर से धोता है। टॉयलेट पेपर ऐड कर दिए हैं, और 3 ऐड करो, और ये करो परचेज। ये देख रहे हो, 1 सेकंड पहले परचेज कर दिए, 8x रे की ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दिए। अभी चलते हैं भाई लोन में, बिल्स में चलते हैं, पहले तो बिल चुका देते हैं, और अब चलते हैं बैंक में पेमेंट्स में, और भाई वापस से इतने सारे लोन, दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, ये दोनों लोन आज के दिन चुक जाएंगे, 325 के दो है ना, चुक जाएंगे आज। छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। बटर नहीं है इसके पास, बटर दे देता हूँ, रुक जा तेरे को बटर लगाऊं, अरे बटर ऐड कर दिए। और बताओ कल आएगा अब सारा सामान, आज के दिन कुछ नहीं आएगा, आज हो गई है होलसेलर वाली दुकान बंद, समझे? मेरा भाई सुपरमार्केट लग रहा है तगड़ा, कुछ ही बोलो भाई। क्या है बटर, अरे मंगा दिया ना, रुक जा मंगा दिया, कल आएगा ऑर्डर दिया है आज, कल आएगा। दीदी की कोई कंप्लेन नहीं है, दीदी अच्छी है। चलो भाई अभी ज्यादा कस्टमर नहीं बचे हैं, लोन भी सारा चुक गया, तो 1000 रुपए आएंगे मैक्स टू मैक्स, 800 रुपए तो आई जाएंगे, 1000 मैक्स टू मैक्स आएंगे। 3 ही है, नहीं भाई 800 भी नहीं आएंगे, और कोई आ रहा है क्या? और कोई नहीं आ रहा ना, हाँ 300 भी मुश्किल ही आएंगे, पैसे 500 हो गए, 100 इससे आ जाएंगे, आएंगे तो ओके आ गए, 80 आ गए। और ये सर जी अभी घूम ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ चारों तरफ जाएंगे, सामान उठाएंगे। ओहो मेयोनीज लिए सर ने, क्या बात, अरे कितना घूमोगे सर, निकलो ना यहाँ से, रात हो गई है, हमको भी धंधा बढ़ा के जाना है घर पे, सोने का है अपने को, बीवी बच्चे हमारे, समझ में नहीं आती यार, बीवी बच्चे से मिलेंगे, इन लोगों का काम करते रहे, बताओ कोई बात है। चलो भाई कितने का बिलिंग, ओहो
सर बिलिंग बड़ी करेंगे, सर बिलिंग करेंगे बहुत भयंकर, 30 रुपए हो गए हैं अभी तो, और सामान आ ही जा रहे हैं इनके, और कुछ है क्या? हो गया सर का सामान हो गया 60 रुपए में काम हो गया, 600 रुपए आए भाई टोटल, और आज का अपना टोटल प्रॉफिट है 3500 रुपए भाई, मतलब इनकम है माइनस ये सब बाकी सब, तो क्योंकि अपन सप्लाई कॉस्ट ही भाई इतनी लग जाती है अपनी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने एक और तगड़ा प्रोडक्ट लाइसेंस खोल दिया है जिससे अपना जो रोज की इनकम है ना वो 3500 पे फिक्स हो गई है भाई, वरना पहले 3500 नहीं होती थी कभी, 2800 अब 3000 के ऊपर ही होती है हर बार। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।